हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखिए, मैंने इस तरह की A4 साइज़ की सिंपल ही ड्राइंग बुक ली है जिस पे हम मंडाला सीखने वाले हैं। तो कलरफुल मंडाला बनाने वाले हैं, जिसके लिए इस तरह का एक कंपास बॉक्स, पेंसिल, इरेजर और हमें चाहिए कुछ पोस्टर कलर्स। आपके पास जो भी है वो ले दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक शंकर भगवान को बना रही हूँ। शिव जी को अपने त्रिशूल और डमरू के साथ एक पर्वत पे खड़ा मैं बनाने वाली हूँ। मैंने इसको रेफरेंस में से ड्रॉ कर लिया है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको इमेज मिल जाएगी जिस भी तरह का आप बनाना चाहते हैं। फर्स्ट बस उस तरह की इमेज एक ड्रॉ कर लीजिए सिंपली, और उसके आसपास इसका सेंटर लेते हुए हमें कुछ सर्कल्स बनाने लेने हैं इस तरह से, ठीक है, जिसमें हम अपनी मंडाला की एक आकृतियाँ रख सकें। मैंने इस तरह की ड्राइंग में से इसको बनाया है। और अब बारी है कलरिंग की। तो पर्वत को कलर करने के लिए मैंने इतने कलर लिए हैं, ब्राउन, ब्लैक, डार्क येलो एंड वाइट। इसी से मैं शेडिंग दूँगी, तो वो आप देखिए, एंजॉय कीजिए कलरिंग। जो भी नए हैं, जो सीख रहे हैं पोस्टर कलर, पर्वत में किस तरह से शेडिंग देना है, तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए यहाँ में कट नहीं किया है या स्किप बिल्कुल नहीं किया है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर किया है। तो आप देखते जाएंगे तो आपको पूरा किस तरह से शेडिंग देना है वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। सिंपल, पहले बहुत सारा पानी लेके मैं उसको लाइट बनाया है कलर को, और पहले मैं बस एक शेड यही दिया है, नीचे भी उसी से ही कर लूँगी। जब भी आप पहला कोटिंग देते हैं सबसे आखिर में वाइट पोस्टर कलर लेकर मैं कुछ कुछ जगहों को या गैप को हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर का यूज़ किया है, कहीं कहीं पे देखिए। फाइनली ये हमारा रेडी है। उसके बाद बारी आती है ये ओरा की। शिवजी में हम सबसे लास्ट में कलर करेंगे, क्योंकि ये जो शेडिंग देंगे हम बैकग्राउंड वाली, उसमें मैं सिर्फ येलो, ऑरेंज और रेड का शेडिंग देने वाली हूँ। ये वाला शेडिंग मैंने एक्रेलिक कलर में बता दिया है पहले, पर पोस्टर कलर में मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें भी देखिए, मैं कलर करती जाऊँगी, आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। लाइट येलो लीजिए, उसके बाद लाइट ऑरेंज लीजिए, दोनों को मिक्स कर, पहले अपने आप उसमें ऑरेंज यूज़ किया मैंने लाइट, और उसके बाद ऑरेंज में थोड़ा येलो मिक्स करते हुए जहाँ पर भी दोनों मिक्स होते हैं उस जगह को फिलअप कर रहे हैं।
कलर्स आप अपने हिसाब से कीजिए, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं। फिर दूसरा कोटिंग दे रही हूँ यहाँ पे, पहला ड्राई हो जाने के बाद। जितने लेयर में काम करेंगे पोस्टर कलर, उतने ज़्यादा आपको ब्राइट दिखते जाएंगे। सबसे आगे मैं थोड़ा डार्क वाला ऑरेंज लिया है और फिर अंदर से बाहर का शेडिंग देना है, ठीक है, इस तरह से। और आखिर में रेड लिया है मैंने, जो मैं बाहर से ला रही हूँ और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शेडिंग क्रिएट किया है मैंने, ज़्यादा ब्राइट नहीं बनाया है, एक दो तीन कोटिंग में ही काम किया है। क्योंकि क्या है कि हमें इसके ऊपर मंडाला ही बनाना है, तो बैकग्राउंड थोड़ा लाइट रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। शिवजी में हम लास्ट में, आखिर में ब्लैक कलर भरेंगे, ताकि जो उनके अंदर कलर गया है वो सारा हम फिलअप कर सकें। और कवर करने के लिए मैं इसमें पोस्टर कलर से ब्लैक कलर नहीं भरूंगी, मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूंगी, ताकि अच्छे से वो दिख पाए हमारे। देखिए इस तरह से मैंने और 2 नंबर का पतला सा राउंड ब्रश लिया है और एक्रेलिक कलर ले लिया है। आप जिस भी ब्रश से कंफर्टेबल हो, पहले इस तरह से बॉर्डर दे दीजिए अपनी, उसके बाद थोड़ा बड़ा ब्रश लेके इस तरह से पूरी अपनी इमेज में फिलअप कर लीजिए। वैसे भी ये पेंटिंग बहुत ऐसे ही अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं इसके ऊपर मंडाला बना के दिखा रही हूँ आपको। सर्कल हमने बनाए थे, थोड़ी कुछ लाइनिंग कर ली है मैंने, और मैं ले रही हूँ स्केच पेन और परमानेंट मार्कर्स, जिसकी मदद से मैं मंडाला क्रिएट करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन इसमें भर सकते हो। बाहर से स्टार्ट किया मैंने, ओके, यहाँ तक कंप्लीट है अपना। आप जिस तरह से भी डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए स्केच पेन यूज़ कीजिए, ताकि वो कम टाइम में और फटाफट डार्क दिखेगा। चेक्स के साथ मैं पूरे लीव्स को कंप्लीट करूंगी फिलअप करते हुए। बीच में कुछ इस तरह की डिजाइन सिलेक्ट की है मैंने। यहाँ पे गैप भरते हुए मैं थोड़ा और डार्क बना रही हूँ एरिया को। हमेशा गैप फिलअप करने के लिए स्केच पेंस यूज़ कीजिए, ताकि फटाफट गैप फिलअप भी होती है और हमारी मार्कर्स या पेंस जल्दी बिगड़ती नहीं है। क्योंकि पोस्टर कलर से किए हुए पेज पे हम जितनी ज़्यादा उस मार्कर्स और पेन को यूज़ करते हैं, तो निब ख़राब हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारा मंडाला भी कंप्लीट हो गया है। आई होप गाइस यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।